रायबरेली में नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने लगभग 5 माह पहले नगर पालिका अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की थी और कहा था कि संपूर्ण क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन जिस तरह से इस समय जलकल विभाग की लापरवाही के कारण सीवर लाइन डालकर रोडों को गड्ढायुक्त कर दिया गया है, आम जनमानस में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता वरुण वाजपेयी से नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि हर वार्ड में काम होगा, जिसको लेकर टेंडर पास कर दिए गए हैं। वहीं कहा कि आजाद नगर में रोड को लेकर जो दिक्कत है उसको जल्द ही सही करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली शहर का है, जहां पर जलकल विभाग के द्वारा शहर में सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। जलकल विभाग के कर्मचारी सीवर लाइन डालकर रोडों को पाट देते हैं, लेकिन उसके बाद आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, 5 महीने तो हुआ है मुझे नगर पालिका में बैठते हुए, और इसके पहले जिस तरह से 5 सालों में नगर पालिका चली और जिस तरह से कोई कार्य नहीं हुआ था, मुझे जिस हालत में नगर पालिका मिली है उसको सुधारने में मुझे समय लग रहा है। और अभी फिलहाल हमने वार्डों में, सभी वार्डों में से दो दो काम, तीन तीन काम लेकर के टेंडर करवा दिए हैं और टेंडर हो गए हैं, ठेकेदारों को काम अलाट हो गए हैं, कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। और अभी लाइट का भी टेंडर हो गया है हमारे यहाँ, और लाइट खरीददारी के लिए अपने संबंधित लाइट विभाग के इंस्पेक्टर को बोल दिया गया है। जो नवरात्र आ रही है, नवरात्र में पूरे शहर में एकदम लाइट लगा करके हम लोग जो है नवरात्रि में जनता को उजाले देने का कार्य करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।